देखिए, यहाँ तो मस्जिद नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ये तो कंस का कारागार है, द्वापर का ये इसका भागवत में प्रमाण है। मस्जिद नाम की कोई नहीं, जो सुलह समझौती के द्वारा पहले जो बना दिया गया, मस्जिद के लिए जगह दे दी गई या जो भी मान लीजिए, लेकिन अब वो कब्जा हटना चाहिए। वहाँ पर सेवक सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। सब जानते हैं जेल में भगवान का जन्म हुआ, प्रकट हुए, इसलिए वो पूरा स्थल निर्विवाद रूप से एक भव्य मंदिर के रूप में देखा जाना चाहिए। ये है उम्मीद हमारे भारत के 125 करोड़ हिंदू जनमानस का मांग है, और इस मुहिम को सफलता मिल रही है, लोगों का समर्थन मिल रहा है, तो स्वाभाविक ही है कि लोग चाहते हैं कि वहां पर भव्य श्री कृष्ण मंदिर बनना चाहिए, हमारे हिंदू समाज के जनमानस की मांग। जी, हमने श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास का गठन किया है। इसका 23 जुलाई को हमने रजिस्ट्रेशन कराया है और एक हफ्ते के अंदर हमने इसमें 14 प्रदेश के संतों को जोड़ा और हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाई और कई प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी हमने नियुक्त कर दिए। और इसका ज़रूरत हमको यह पड़ गई, अयोध्या में श्री राम मंदिर की भूमि पूजन होने जा रही है 27 वर्ष बाद सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, संत समाज में एक उत्साह हुआ कि राम मंदिर बन गया तो कृष्ण मंदिर भी बनना चाहिए, उसके बाद काशी विश्वनाथ का मंदिर भी बनना चाहिए। इसलिए हमने यह रजिस्ट्रेशन कराया और यह मुहिम हमने 1 फरवरी से श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के रूप में की थी। उस समय भी हमने संतों का बैठक किया था, लेकिन बीच में फरवरी के बाद मार्च में लॉकडाउन शुरू हो गया, लंबा अरसा 5 महीने बीत चुके हैं। अब उस मुहिम को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाते हुए हमने रजिस्ट्रेशन कराया, क्योंकि जब हम कोई बड़ी मुहिम और भारत लेवल का कोई भी आंदोलन छेड़ेंगे तो हमको रजिस्टर्ड बात की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने रजिस्ट्रेशन कराया। हमारे 11 सदस्य इस ट्रस्ट में यहाँ पर वृंदावन में है। मैं खुद आचार्य देव मुरारी बापू इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता भी मिल रही है। बड़े बड़े शंकराचार्य और जगतगुरु इसमें जुड़ रहे हैं और लोगों का उत्साह हमको देखने को मिल रहा है। इतने जल्दी पूरे भारत लेवल में 14 प्रदेश में पदाधिकारी मिलना और नियुक्त होना ये बहुत बड़ी सफलता है, और मुझे ये लगता है कि हम इस पर लगातार कार्य करेंगे तो हमको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी और इस आंदोलन से श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास से लाखों लोग जुड़ जाएंगे। हमारी इसकी हमारे ट्रस्ट में डीड में यह है कि पहले तो भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म स्थल है, गर्भगृह है, उसके पास में बनी हुई मस्जिद जो अवैध तरीके से वहाँ पर बनाई गई है, या यूँ कह लीजिए जबरदरिया वहाँ पर वह मस्जिद है। पहले वो द्वापर में कंस का कारागृह था, ये भारत की प्रसिद्ध बात है, और कारागृह कोई छोटा नहीं होता है कि एक तरफ कारागृह दूसरी तरफ मस्जिद, ऐसी कोई भी इतिहास में ऐसी कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। और आज साधारण भी जिला कारागार बहुत बड़े क्षेत्र में होता है, तो ये विडंबना है और स्पष्ट है कि कृष्ण जन्मभूमि गर्भगृह से लगी हुई विशाल जो मस्जिद है, ईदगाह है, वो सब अवैध तरीके से, ये इसका जो गठन हुआ है वह 1968 में जो बिरला जी थे और ईदगाह समिति के द्वारा ये आपसी समझौते से कि तुम अपना मस्जिद में पूजा करते रहो, हम अपना गर्भगृह में पूजा करते रहेंगे, इस तरह से जो एक प्राइवेट समझौता था जिसमें जनता से सहमति नहीं ली गई है, तो प्राइवेट समझौता कोई लीगल समझौता नहीं होता है। इसमें इसलिए हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया है कि ये जो गलत तरीके से हुआ था उसको ख़त्म किया जाए, मस्जिद को वहाँ से हटा करके भव्य श्री कृष्ण जन्म स्थान, श्री राम जन्म स्थान की तर्ज पर बनाया जाए। इसमें लोग सहमत हो रहे हैं, हमने मुहिम शुरू की है, काफ़ी हद तक सफलता मिल रही है, और इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ पर जो भी है वो केवल ईदगाह मस्जिद ही नहीं है, और भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान का बहुत बड़ा परिक्षेत्र था, उस पर अवैध तरीके से लोग मकान बना लिए रहने लगे हैं, जैसे भी वो कब्जा कर रखे हैं, वो पूरी भूमि को मुक्त कराकर एक भव्य मंदिर का निर्माण हो, ये हमारे ट्रस्ट की मुहिम की यह प्रारंभिक हमारी मांग है और इसलिए हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं।